देखिए मेरी बात सुनो, अब मैं समझा रहा हूं बड़ा हूं, क्योंकि सच्ची बात यह है कि अब ये बच्ची तो आई है खुला के लिए, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, जितनी उसने बातें की हैं सारी सही हैं, और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इसकी मैरिज जो है ना ब्रेक कर दूं, क्योंकि हमारे माशरे में इस बच्ची को तो नहीं पता, वो तो जिस टॉर्चर से गुजर रही है तो उसी को बहुत ज्यादा समझ रही है, लेकिन इस बच्ची को नहीं पता कि खुला के बाद खुला याफ्ता बच्ची किस टॉर्चर से गुजरती है, और फिर जो दूसरा शौहर हो है पता नहीं कैसा मिले, वो भी ताने देगा कि तुम पहले भी खुला लेके आई हो। तो ये सारी बातें भी मुझे सोचनी है। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं बेटा सुनो, मैं आपको ना इनके पास तो फिलहाल नहीं भेज रहा, आप रहेंगी अपनी मम्मी के घर में, ठीक है, लेकिन आप लोगों की लड़ाई नहीं रहेगी, आप वीकली जो है वीकेंड के ऊपर दोनों मियां बीवी 3 महीने के लिए मिलते रहो, डिनर वगैरह पे जाओ, घूमो फिरो, और जो भी तकरीबात हैं शादी ब्याह उसमें दोनों मिलके जाओ। मैं 3 महीने के लिए एक वक्फा दे रहा हूं जी वाजी, क्योंकि बेटा मैं देखो मैं जाती तौर पे डिवोर्स और खुला के बड़ा खिलाफ हूं, और रसूल अल्लाह ने भी हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज जो है ना वो तलाक को नापसंदीदा फरमाया है। जी। तो बहन आप वालदा हैं इनकी, सर आप भी, मतलब आपको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा हूं सर, आप अगर आप मेरी इस तजवीज, देखिए एक सेकंड का काम है खुला देना, आजकल तो कोर्टों में खुला ऐसे मिलता है जैसे डाक के टिकट मिलते हैं, आप जाएं वो बिठाते हैं आपस में प्री ट्रायल कराते हैं, नहीं मंजूर नहीं मंजूर, बोला जाओ जी सूट डिग्री। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसे ना हो मेरे यहां। तो सर मैं कहना का मकसद यह है कि यहाँ आने का मकसद यह है कि यहाँ पे इस्लाह की जाए, रिकंसिलिएशन, मेरा काम ही है, ठीक है ना, शख्स को पता चलेगा कि आर्बिट्रेशन क्या चीज़ है। अब सारा मैं तुम्हारे ऊपर ही ब्लेम डाल रहा हूँ, ठीक है बाजा साहब, इसको अपना बस गुस्से को थोड़ा कम करना होगा। नहीं अब वो पता है 3 महीने तुम इसको लेके जाओ घुमाओ फिराओ, वैसे अच्छा जो दावत हो शादी ब्याह तकरीब, जी बहन जिंदगी पूरी जिंदगी घुमाए फिराए वो तो घुमाएगा, लेकिन ये मैं जो अच्छा आप आपको तो खैर सलाम पेश करता हूँ, बहुत ही अच्छी खातून है आप, और अल्लाह ताला आपको और अच्छा बनाए, और अब ये आपकी भी मर्जी इसमें शामिल कर लो, उनके वालदैन से तो मैंने पूछ लिया है, ये आपका बेटा है बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ये थोड़ा सा जज्बाती है, और थोड़ा जिसको ये मजाक कहता है वो मजाक इसका तज़हीक की हद तक है, तो बेटा बस इस चीज को बारीकी को समझो, उतना मजाक करो जिसमें दूसरे की बेइज्जती ना हो, मजाक का पहलू, मैं मजाक करने से मना नहीं करता, मजाक मैं खुद बहुत ज्यादा करता हूं, मजाक से मना नहीं कर रहा, मजाक में दूसरे की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, उसकी इज्जत मलहू के खातिर रहे, ठीक है ना। तो अभी आज जो है कोई फैसला नहीं कर रहे, आज का जो फैसला है वो ये है कि आप दोनों मिलते जुलते रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगी, लेकिन आप वीकेंड्स पे मिलेंगे, शादी ब्याह तकरीबात दावतों में इकट्ठे जाएंगे, और फिर आप अपने घर आ जाएंगी, ये ड्रॉप करेगा और पिक भी करेगा, और आप अपने घर में जाएंगे। वाजे साहब कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने कम कर दूं? वाजे साहब प्लीज 2 महीने। बहुत बहुत दो, ठीक है, दो ठीक है बेटा, लेकिन 2 महीने भी नहीं, 2 महीने भी नहीं बहन, कुछ तो बहू ले जाना चाहती, बहन कुछ तो सजा मिले ना, या ले जाना चाह रही है, ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप को फिर सही करोगे, पक्की बात, प्रॉमिस प्रॉमिस बेटा, फिर ठीक है। हमें यहाँ उम्मीद थी आने की ना, यहाँ इसलिए आए थे कि हमें उम्मीद थी कि अच्छा फैसला है बेटे के हाथ में, अच्छा होगा जी, क्या करें फिर, फौरन ही कर देंगे साहब, जैसे आपको बेहतर लगे, जो तुम कहो, आज दिन तुम्हारा है, जैसे बोलो वैसे कर दो हैं जी, ठीक है ठीक है, चल भाई ले जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके कांग्रेचुलेशन, अब शिकायत नहीं आनी चाहिए, और शिकायत आए तो फिर मेरे पास आना बेटा, ठीक है, ओके अदालत बर्खास्त।